Assalamu alaikum 9th class this is your biology lecture number 44 on your book page number 130 and 131 and today our topic is the cellular respiration as you know we have started the chapter number 7 which is about the bioenergetics and in which we study the uh, formation of energy, transformation or conversion of energy in the living organism. So, we have different kinds of energy discussed. हमने इसमें टू प्रोसेसिस देखे जैसे कि हमने रिसेंटली अभी फोटोसिंथिस जो है वो कम्पलीट किया अब जो एन प्रोसेस है वो सेलुलर रेस्पायरेशन है मुझे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेलुलर रेस्पाइरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है तो ये प्रोक्रियास और यूक्रियार्ड्स दोनों में हो रही है ओके ये आटोट्राफ्ट में भी होती है और हेड्रोट्राफ्ट में भी होती है आर्टोट्राफ्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लाइक प्लांट्स और हेट्रोड्राफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे और वो हैं एनिमल्स लाइक एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं कि सेलुलर एस्पाइरेशन प्लांट्स में किस टाइम हो रही है जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइमिंग में होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होगी और नाइट टाइमिंग में प्लांट्स में सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ठीक है अब सेलुलर रेस्पायरेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से फूड uh, की ब्रेकेज की जाती है फूड को तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज uh, करवाई जाती है उसको यूटिलाइज किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर एस्पेरेशन विच इज द सेलुलर एस्पेरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड बच्चे हम यहां पे फूड जो है वो प्लांट्स में ग्लूकोज की फॉर्म में होती है इसको हम फूड भी कह सकते हैं और एक और टर्म हम यूज करेंगे फ्यूल भी कह सकते हैं ठीक है अब फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है अब फूड जो हम इनटेक करते हैं वो ऑर्गेनिक फूड है ठीक है हम ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंडेंट करते हैं और ऑर्गेनिक फूड ऐसी फूड होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं फूड uh, में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है बाय विच रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था इस रिएक्शन के थ्रू इन बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी विच इज देन ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट इन टू द एटीपी और जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में अब हम सेलुलर एस्पाइरेशन की क्वेश्चन देख लेते हैं आ, बच्चे यहां पे आपको दिखाया गया है कि ये ग्लूकोज है उसका सी सिक्स ग्लूकोज दिखाया गया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो तोड़ा जाता है जैसे हम रेस्पायर करते हैं और हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज करवाती है और फिर जो है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है एनर्जी रिलीज होती है अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा इन बॉन्ड्स को बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉमन फ्यूल बच्चे फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जो कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या बना के देगा एनर्जी बना के देगा एनर्जी रिलीज होगी उसमें से हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है और फिर यहां फिर वो वर्किंग एनर्जी भी हो सकती है जो हम वर्किंग के लिए यूज करते हैं द मोस्ट कॉमन फ्यूल विच इज यूज बाय द सेल Uh, वो आपको पता है कि वो कॉमन फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है ठीक है जो हमारी फूड है मोस्ट कॉमन फ्यूल विच इज यूज बाय द सेल टू गेट द एनर्जी बाय सेलुलर एस्पेरेशन इज द ग्लूकोज ये एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन फ्यूल विच इज यूज बाय द सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी तो हमारा आंसर होगा ग्लूकोज ये एक कॉमन फ्यूल है जिसको सेल्स यूज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए और वो कॉमन फ्यूल हमारे पास ग्लूकोज है अब बच्चे इस द द वे ऑक्सीडाइज डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवानी है इसकी ब्रेक डाउन करवानी है आपने और इसमें से एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो इसमें मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा अब ऑक्सीजन की ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सेलुलर रेस्पायरेशन इज डिड इनटू टू टाइप्स ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इस बेस पे हम इसको जो है वो टू बेसिकली डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में नेक्स्ट अवर पॉइंट इज दट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब फर्दर बच्चे इसकी टू टाइप्स हैं रेस्पाइरेशन की एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एरोबिक एरोरोन एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक मींस ऑक्सीजन ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं ओके okay, अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है किस लिए ताकि जो ये आ, हमारा कॉमन फ्यूल है सेल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज यानी कि ये जो फूड है इसकी ब्रेकेज लिए इसमें मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए और फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक रेस्पायरेशन को हम डिस्कस करते हैं द सेलुलर रेस्पायरेशन इसकी डेफिनेशन है द द सेलुलर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द एरोबिक देशन एंड इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज द एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे क्या होता है फूड uh, की कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होती है उसको प्रॉपरली डाउन किया जाता है और उसमें से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में अगर हम एनारोबिक में देखें तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर जाहिर है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कैसे करवाई जाएगी तो बच्चे इसमें ये uh, हमें बताया गया है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी डेफिनेशन अगर आप देख लें सेलूलर रेस्पायरेशन अकरिंग इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इस कार द एनोबिक रेस्पाइरेशन और इस प्रोसेस में क्या होता है इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और ब्रेक डाउन नहीं किया जाता उसमें मौजूद बॉन्ड्स को जिसकी वजह से मिनिमम एनर्जी और लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिलीज कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है एरोबिक में फूड प्रॉपरली डाउन हो रही है और एनरोबिक में इनकम्प्लीटली उसमें बॉन्ड्स को प्रॉपरली डाउन नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है जिसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है उसकी ब्रेक डाउन के लिए बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन के लिए और एरोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होती है एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी लेस मिनिमम एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में अब यहां पर हम दोनों प्रोसेसिस को फेजेस की हेल्प से जो है वो डिस्कस uh, करते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या होता है और सेकेंड फेज में क्या होता है ओके इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन फर्स्ट फेज में बच्चे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई जाती है मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मालिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड एक ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटेगा और उसमें से टू पायरोविक एसिड्स हमारे पास आ जाएंगे ठीक है अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि आ, आपके पास नेक्स्ट सेकेंड फेज में पायुर्विक एसिड किस तरह से एक्ट करता है बच्चे सेकंड फेज में अच्छा जी ग्लूकोज सिक्स कार्बन है ओके सिक्स कार्बन कंपाउंड है जैसे कि आपने यहां पर देखा था सी सिक्स और जो पायुर्विक एसिड हमारे पास आया वो थ्री कार्बन कंपाउंड है क्योंकि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हमने करवाई तो ये टू पायर्विक एसिड में कन्वर्ट हो गया यानी कि थ्री थ्री कार्बन में ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द सेकेंड फेज सेकेंड फेज में क्या होगा मालिक्यूल्स ऑफ फायरोविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अब एसिड को किया जा रहा है यानी कि इसकी मुकम्मल तौर पर बेकडाउन करवाई गई है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाएगा फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वाटर रिलीज होगा एनर्जी रिलीज होगी ठीक है और इसकी ओवरऑल इक्वेजन यही है जो हमने ऊपर सेलुलर एस्पाइरेशन में देखी थी ओके यानी के यहां पर मैंने आपको ओवरऑल इक्वेशन दिखा दी यहां पर मैंने आपको स्टेप्स में बता दिया के पहले ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ा जाता है ठीक है फिर उसके बाद पायरोविक एसिड की जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है अब हम इस तरफ आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन में बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पायरेशन में फर्स्ट फेज बिल्कुल एग्जैक्टली exactly जो है वो एरोबिक जैसी ही है इसकी इसमें भी एज इट इज फर्स्ट फेज में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा इसकी ब्रेकडाउन करवाई जाएगी और टू पार्बिक एसिड के मालिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे जैसा कि यहां पे फर्स्ट फेज में हुआ था लेकिन जो मेन डिफरेंस एरोबिक और एन में आ रहा है वो सेकंड फेज में जाके आ रहा है ठीक है अब फर्दर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है जिस वजह से हम इसको एनआरोबिक रेस्परेशन कह रहे हैं तो सेकेंड फेज इस तरह से वेरी करती है डिफर करती है एरोबिक के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसमें सेकेंड फेज में बच्चे एसिड कन्वर्ट होगा अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में और यहां पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में यानी कि मुकम्मल ब्रेक डाउन होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम्प्लीटली जो है उनकी ऑक्सीडेशन हुई और एनर्जी रिलीज हुई लेकिन यहां पे ऐसा जैसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में इसके बेस पे हम एनरोबिक रेस्पाइरेशन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं इसकी टू कैटेगरीज हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है अल्कोहल की ठीक है इथायल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है इसमें बच्चे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक्चुअली अकर्स इन द बैक्टेरिया एंड ईस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये वाली फर्मेंटेशन जो है वो होती है इस टाइप में क्या होता है कि एनरोबिक रेस्पेरेशन की एक टाइप है जिसमें पायर्विक एसिड को फर्दर ब्रोकन डाउन किया जाता है अल्कोहल में ठीक है जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसमें बैक्टीरिया और ईस्ट जो है वो पायर्विक एसिड को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पायर्विक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अनदर टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली स्केलेटल मसल्स में हो रही है ह्यूमंस और एनिमल्स में जब वो कोई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी या कोई हार्ड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक है ठीके? और इसके अलावा ये किस में हो रही है दिस आल्सो हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क जो बैक्टीरिया मिल्क में प्रेजेंट होता है उसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है uh, इस uh, बच्चे इस प्रोसेस में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पाइरेशन ईच पायरबिक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इन टू द लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिड एसिडाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन लैक्टिक एसिड में पार्विक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है ओके okay, अब ये uh, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से पार्विक एसिड कन्वर्ट होगा ठीक है क्योंकि यहां पे हमने देखा कि फर्स्ट फेज एरोबिक जैसी है सेकेंड फेज में ऑक्सीजन uh, की एब्सेंस है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पायर्विक एसिड इनमें कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में और इसमें बहुत से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अनब्रोकन रह जाते हैं ठीक है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है तो वो अनब्रोकन रह जाएंगे प्रोडक्ट में और फिर वो फर्दर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनाते हैं जो हमने इन फर्मेंटेशन में डिस्कस कर लिया अब बच्चे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने सबसे पहले बात की थी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन्स में भी हो रही है एनिमल्स में भी हो रही है अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन्स और एनिमल्स में होती है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि आप कोई हार्ड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेट्स सपोज आप पुशअप्स कर रहे हैं ठीक है और उसके लिए जाहिर है फिर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत है हमारे मसल्स जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी चाहिए तो उसके लिए हमारी बॉडी में स्टोर जो फ्यूल है यानी कि ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन करवाई जाती है और फिर हमें हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो फूड की ब्रेकडाउन करवा के बच्चे ए प्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो हमें ए, 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 एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम कैरी आउट कर सकें कोई भी एक्टिविटी आप हार्ड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो ह्यूमंस में इस केस में होती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ए, और आप जो है आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो चुका है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो प्रोसेस चला जाता है और फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में स्टार्ट हो जाती है जिसमें आ, हम कह सकते हैं कि पायोबिक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है लैक्टिक एसिड में और हमें एनर्जी जो है वो इससे मिलती है लेकिन मिनिमम एनर्जी इससे हमें जो है वो यूटिलाइज होती है दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर एस्पाइरेशन जो हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है इसमें हमने देखा कि फूड को कैसे तोड़ा जाता है उसमें मौजूद बॉन्ड्स को रिएक्शन के थ्रू और फिर क्या यूटिलाइज होती है एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम उससे हमने देखा कि कॉमन फ्यूल जो सेल में है वो ग्लूकोज है और उसके लिए ऑक्सीजन का अवेलेबल होना जरूरी है इसके ब्रेकडाउन के लिए नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बेस पे हम रेस्पिरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनरोबिक जो उसकी एबसेंस में होती है इसमें मुकम्मल तौर पर फूड की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है रिलीज होती है और एनरोबिक में जो है वो कम्प इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अनब्रोकन रह जाते हैं और इसकी भी फर्दर हमने टू कैटेगरीज देखी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि बैक्टीरिया इस डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को करवाते हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने देखी कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है ठीक है जब वो कोई हार्ड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड टूटना शुरू हो जाती है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है